खेसारी भैया के भी धन्यवाद देवे पड़ते हैं, ठीक ना। का हो भैया, का हाल चाल? एकदम बढ़िया, होली खत्म होली तो बढ़िया ना रहती बाबू। सुनली हल की होली में एगो पवन सिंह ढोड़ी हुरवा बहुत खराब गाना लाल किया तो पर हमनी दोनों भाई लगा वीडियो बने लिया का हाँ तेरी के रे हमने काहे बना ली से भी तोरा पता होता हूँ। अश्लील हल अश्लील हल आई और 77 गो पवन सिंह के खुद हाँ फैन अपन फैन के ना जरा टॉप टैग होली टॉप फैन के टैग कर रहा था टैग कि कलाकार हम फैन हैं पसंद करते हैं। एकर मतलब ई नहीं कि माय बहन बेटी शर्मसार हो और हम पवन सिंह को पसंद करें, बिल्कुल एकर मैंने कुछ नहीं तो उन्हीं फैन लोग टैग कर लेते फैन के धन्यवाद एकदम बहुत बहुत धन्यवाद एकदम मगहिया जवान के आवे के बाद से ये फैन वाला फैन गिरी के नशा तोनी के उतार के लो थोड़ा सा उतार मतलब ले अच्छा के अच्छा खराब के खराब कहला सीख ले है बिल्कुल। और मगहिया जवान के टैग करके सब ही बोली थी नतीजा हो वीडियो बनाइए इस पे वीडियो बनाइए नतीजा का होला नतीजा ये होला कि वीडियो बनावे से वो वाला गाना यूट्यूब डिलीट कर देवल गेलो। जी हाँ कहीं न कहीं फिर से धन्यवाद देवे अब पवन सिंह जी के बिल्कुल कि महाराज इतना तो कम से कम आभास होलो न जी हाँ। कि खराब गाना से भी आजकल फैन नाराज हुए लगला थी है ना। अब इतने तो इतने खाली इतने न होली है लेकिन और खेसारी भैया के भी धन्यवाद देवे पड़ते हुए ठीक ना। रिलाय कर रहे कौन गाना पे पता हो तोरा कोची के धन्यवाद रे चोर के कौन धन्यवाद से बताओ। वो गानवा डिलीट हो गया है डिलीट होली ना ता? ता चोर चोरी करता है और सामने से एगो एक्शन ले लिया मुन्ना मतलब भी हाँ। कि अगर नहीं हटाए नहीं हमको मिला न्याय तो हम तो कोर्ट कचहरी तक जाएंगे। तो एक बात बताओ एस आर के म्यूजिक के 10-11 मिलियन फॉलोअर है हाँ। तो कोर्ट तक ना अंदर चल जाते फॉलोअर निपट जाते हाल मतलब कौन चाह ऐसा तो फिर से कह भाई मजबूरन किसी न किसी कारण बस वो गाना हलो मसूरिया के आयल कॉपी करल चुराव आयो एक तो समझा की मानसिकते ही चुराना है तो चुरैलका गनवा कर दिलो डिलीट हाँ। दम और ताकत सिर्फ और सिर्फ धोनी भाई सबके हवा मतलब और दूसरा चीज जाना है वो गनवा डिलीट करावे में एगो थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती थी जी हाँ। ना चल रही हल गनवा अच्छा यो बात है लेकिन एक बताओ कहल जाए भाई जिस प्रकार से पवन सिंह मानसिकता के समझ लेते है बाबू अपन फैंस के फैंस इस प्रकार के गाना से नाराज अब हो रहा है बिल्कुल समझ लही यही अगर गायकी मसूरिया कर दिया होता मसूरिया जानते हो कैसे कलाकार है अपन फैंस के माय बहन भी कर देगा ना तैयो अगर कहेगा फैंस जानते होगा बहुत बढ़िया गाय हो तो भाई बहुत बढ़िया गाय हो एकदम फैन ऐसी बोलेगा बहुत बढ़िया गाय हो यही फर्क है मसूरिया के फैन और पवन सिंह के फैन में। कल एक और तो हम घटना बतावा चाहेंगे तू ना थक शायद सूत गया होगा हम लाइव बड़ी रात के कल आए थे 12-15 लोग के जोड़े थे जिसमें खास करके यादव भाइयों को 8 हो के जोड़े थे अच्छा और तो और शर्मिंदगी इतना महसूस हुआ हमको लाइव जोड़ने के बाद भोजपुर के थे भोजपुरी नहीं सुनते हैं बताइए भाषा बताइए हमारा भाषा हम नहीं बोलते हैं काहे नहीं बोलते हैं जी और तो और अकेला बोलते तो मान लेते हैं हम हाँ। साथ में उनकी वाइफ पत्नी भी थी लाइव टंगा हुआ है हमारे गौतम सिंह राजपूत वाले चैनल पे हाँ। वहाँ क्या कह रहे हैं पत्नी भी बोली वो भी बोले कि हम लोग हैं भोजपुर आरा से लेकिन भोजपुरी गाना हम लोग फैन किस कैसे बताइए पवन सिंह के 8 यादव भाइयों में 7 यादव भाइयों ने बताया कि हम पवन सिंह के फैन हम बोले क्यों अब क्यों नहीं मैं तो भैया हम जात न पात हम जमात वाला बात करते हैं और अच्छों का समर्थन करते हैं कोई कलाकार हो अच्छे गायकों का सम्मान करते हैं और सुनते हैं। तो देखिए वीडियो के तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमने कुछ बोले से और तोनी के कुछ करे से फर्क बहुत पड़ता है बहुत पड़ता है और ऐसे ही फर्क पड़ाते रहिए हमेशा सपोर्ट करके साथ देके वीडियो को शेयर करके कमेंट करके और बार बार हमने ई बतावे ना आएंगे कि हमारे वजह से और हमारे मुहिम के वजह से कितना ऊपर में प्रभाव पड़ता है प्रभाव आज दोनों साक्षात आप सब देख रहे हैं इस सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका हाथ बिल्कुल खड़ा रहे इसी प्रकार से और वीडियो खूब शेयर कीजिए और बताइए कि मुहिम में आप पूरे मगहिया परिवार का कितना ताकत और कितना असर है ना। बाकी विदा लेना चाहेंगे नमस्कार प्रणाम जय मगध जय बिहार।